हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने वीडियो शुरू की है कार में बैठकर। आई मीन ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और अब बज रहे हैं यहाँ पर 11:11। ओके, हम जा रहे हैं जू लोरा पार्क को, है ना? हाँ, है ना गाइस? अगर आप सोचो ना कि मेरे हस्बैंड मुझे रिस्पॉन्स नहीं करते, वैसे करते हैं वो। आप लोगों को सुनाई देता है, वो सिर्फ मुझे सुनाई देता है। तो हम आज जा रहे हैं लोरा पार्क को, PARQUE है बट यहाँ पर ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है लोरा पार्क को। जू स्लैश पार्क भी है, लेजर पार्क है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है वहाँ पे। और वहाँ पे इनफैक्ट आप डॉल्फिन देखोगे, वेल्स देखोगे, क्योंकि वेल्स के शो भी होते हैं वहाँ पे। तो टाइमिंग्स देखनी पड़ेंगी सो दैट कि हम अटेंड कर सकें। और काफ़ी बड़ा है ये जू और काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है आज का दिन। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए कि क्या क्या करते हैं हम, और एनिमल्स वगैरह दिखाऊंगी। मुझे बहुत मज़ा आता है जू पे जाने में। तो आर यू एक्साइटेड? हाउ मच? आज मैंने और हस्बैंड ने ना थोड़ा सा न्यूट्रल फैमिली में ही कपड़े पहने हैं। वी आर मैची टुडे। और आरव है, आरव को ठंड बहुत लगती है और आरव कहते हैं मुझे फुल स्लीव्स पहनाना, मुझे शॉर्ट्स मत पहनाना, तो इसलिए मैंने इसको आज पूरे कपड़े पहनाए हैं। एंड आई एम वेयरिंग दिस। आई विल शो यू माय आउटफिट बाद में, जब मैं लोरा पार्क पहुंचूंगी ना तब दिखाऊंगी। सो गाइस, तब तक आप व्यू को एंजॉय करो, मैं दिखाती हूँ। So we are in which park, Arif? Lora Park. Do I need to retouch my lipstick? Let me see. I think so. और ये क्यूट लग रहा है ना पेंडेंट, मुझे बहुत प्यारा लगा ये। ये है H&M से। These earrings are from Shein. Check it. रे, ओ ये मुर्गा देखना है गाइस, मुर्गा, देसी मुर्गा। बिल्कुल इंडिया जैसा है यार ये। तूने मुर्गा पहली बार देखा है? हम तो पले बड़े मुर्गों में हैं भाई। इंडिया में तो हमने बहुत, मेरी नानी ने बहुत सारे रखे होते थे मुर्गे, फिर वो अंडे देते थे, फिर हम अंडों का वेट करते थे, फिर हम बनाते थे और खाते थे, और बहुत अच्छा था वो टाइम यार। गुड ओल्ड मेमोरीज। आरव बी केयरफुल, जब आप क्रॉस करो दोनों साइड देखा करो आरव। ओके गाइस, सो आई विल सी यू लेटर नाउ जब हम पार्क में होंगे। ओके, सो या गाइस, हम पहुंच गए हैं लोरो पार्क एनिमल एम्बेसी। सो दैट्स द एंट्री। बिल्कुल थाई टाइप है। ओके गाइस, सो वी ऑलरेडी गॉट आवर टिकट्स, अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। एंड टिकट्स कितने की थी? 40 यूरो पर पर्सन। हाउ ब्यूटीफुल दिस पार्क इज विद पाम ट्रीज, वेरी नाइस। या गोरिल्ला, ओह माय गॉड, लुक एट हिम, कैसे बैठा है देखना। ये बैठा हुआ है, माइकल जैक्सन इज देयर। मैं वही सोचो, बंदा देखा देखा लग रहा है। एंड लुक एट दैट कॉक। चलो चलो, उसका मन नहीं है अभी आप लोगों को नृत्य दिखाने का, सो हम यहाँ से आर्टिफिशियल वाला देख लेते हैं। बट अच्छा है ना पार्क, clean and very green. What's that? Yeah. I'm going to buy some euro for the euro. ठीक है? उससे क्या होगा? हाँ, that's interesting. कितनी सुंदर है ना ये येलो, ये वाली सारी सोरी है ये वाली। I think it's real snow, not artificial. Artificial नहीं है। So pretty. क्या बोल रहे हो आप आरव?
आरव कह रहा है मुझे वेल खा जाएगी। मैं कैसे खा जाएगी तेरे को, निकल के शीशे से निकल के खा जाएगी तेरे को। सो क्यूट दीज आर, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं दिखाती हूँ, कितने क्यूट है। तो इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, बट क्यूट है ये। वैसे मंकीज की तरह लग रहे हैं ना, छोटे मंकीज की तरह है ना। इनकी मूछें भी हैं ना, मूछें। ओह माय गॉड, चलो गाइस सी टाइगर। इस टाइम पे ना इनका नैप टाइम होता है, ये सो रहा है वो। दो है आए, एक पैंथर भी है। सी एंड दैट्स द हिप्पोपोटामस। Or is it just the world that's gotten cold? Wanna end the apathy, fill the spaces in between. We can get closer, feel it come over. Whoa, whoa, whoa. Chasing after something real, holding out until I feel every bit of you inside of me. Are we running out of time, but running out of luck, running after something we'll never give up. Touch me, feel me, this is what I need. You take me over. ओके गाइस, तो अभी हमने वेल शो तो देख लिया है, अब हम जा रहे हैं डॉल्फिन शो देखने। टू बी ऑनेस्ट बहुत बुरा लग रहा है, बट इनकी हिस्ट्री ये है कि इनको मतलब जो वहाँ पे बताया गया है, मेंशन किया है प्रॉपरली इन्होंने कि कोई भी वेल इसमें से ऐसे समुद्र से उठाई नहीं है। ये वो वेल्स हैं जो ऑलरेडी इंजर्ड थी, और अगर ये इनकी केयर नहीं करते तो ये मर जाती। सो उनको यहाँ पर ला के, 10 साल से हैं ये यहाँ पर, ठीक है, 10 साल से उनको अच्छे से खाते पिलाते हैं, सब कुछ है। सो बेसिकली काफ़ी केयर की जाती है। तो ये वो वेल्स उठाई हुई है उन्होंने समुंदर से, जो ऑलरेडी इंजर्ड वेल्स थी, नॉर्मल मतलब जो हेल्दी वाली थी वो वाली नहीं उठाई है। अब हम जा रहे हैं डॉल्फिन शो देखने। ओके गाइस, हम जा रहे हैं डॉल्फिन शो देखने। मैंने पहले भी देखा हुआ है दुबई में, बट दिस टाइम इन टेनरिफ। और मैंने खाने को लिया है ये फ्रैपे, पीने को फ्रैपे एंड चिप्स। भूख लगी है, और इतनी गर्मी है ना आज के दिन। ओह माय गॉड, यू टेक मी ओवर, यू आर प्योर एंड अमेजिंग, आई फील सो अलाइव, से यू स्टे विद मी अंटिल द सनराइज, विद गाइस। तो हमने देख लिया डॉल्फिन शो, बहुत अच्छा था, बहुत क्यूट था वो। स्पेशली मुझे लास्ट पे डॉल्फिन ने डांस किया ना, दैट वाज वेरी वेरी क्यूट। मैं दिखाऊंगी आपको, तो देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा उसका डांस, बहुत क्यूट किया है। पर अभी हमने वाइट टाइगर देखा है। ओह गॉड गाइस, थक गया सच में, 5 घंटे हो गए हमें चलते 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 चलते, पैरों की बज गई है बैंड। अब जा रहे हैं हम वापस होटल। आज मेरा मन कर रहा है स्पा लेने का, या देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अभी 1 घंटा लगेगा, 1.25 घंटा लगेगा होटल तक जाने में। देखते हैं क्या लेना है, क्या करना है। मैं फ़ोन मैंने अपने पॉकेट में रखा था, ट्राउज़र्स की पॉकेट में, एंड आई वाज सर्चिंग इन माय बैग। 2 मिनट तक मैं बैग में सर्च करती रही, कहाँ गया
कहाँ गया अरब, कहाँ गया। पापा कहते मैं जाऊँ क्या, जाऊँ क्या, पीछे जाऊँ, मतलब वापस जाऊँ पूछने के लिए, कहीं फ़ोन तो नहीं रह गया, कहीं डॉल्फिन शो में देख रहे हो, वहाँ पे साइड पे रख दिया। एंड आई वाज लाइक नहीं, मैंने तब तो ले लिया था, उसके बाद हम कहाँ गए। और देखा मेरी ट्राउजर्स नहीं पड़ा हुआ है, बहुत अपसेट माइंडेड हूँ मैं। हर हमारी गाड़ी पीछे है, आगे आई मीन। गाइस थक गए हैं, आई विल सी यू लेटर नाउ, मे बी टुमारो, या अगर मैं स्पा के ले गई या जो भी करूँगी मैं, आई विल अपडेट यू गाइस जो भी मैं कुछ करूँगी। चलो मिलती हूँ बाद में, टेक केयर। ओके गाइस, अब हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। अच्छा पूरा घुमाएगा। I have an extra pilot that he will fly with nobody. He is about to take off with nobody, and it's heavy, like for someone I know. Yeah. And that is a particular opportunity. Really, really, not joking. Look, he's gonna take off. His passenger didn't come. Do you wanna go, Arif? No. Arif, अच्छा लग रहा है। You can come with me. एक बार experience ले ले, अगर अच्छा नहीं लगा। Don't wanna go. No, no. Nervous के कारण मेरी lipstick भी उतर गई। Hello. Nervous के कारण मेरी lipstick भी बीच में से उतर गई। Okay guys, I'm enjoying home flight करने। See you in the air. Hello Monica, how are you doing? Good. Good, ready for flying again? Yes. You feel like a bird once again, so let's go for it. Yeah. Monica, oh, you with me? All the way in there, we're going to be going. All down to the coast, let's go. Let's go. सो पैराग्लाइडिंग हो गई, बहुत स्मूथ था, 15 मिनट्स की राइड थी, बहुत कम लगी मेरे को। और मुझे याद नहीं है कितने यूरोज लगे हैं, मैं हस्बैंड से पूछ के यहाँ पर मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। बाकी मज़ा बहुत ज़्यादा आया, इट वाज वेरी नाइस, वेरी स्मूथ। और जो लैंडिंग हुई है वो बिल्कुल बीच पे हुई है, आई विल शो यू, वेट। एंड दैट्स द व्यू, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, बहुत चिल रिलैक्स काइंड ऑफ बीच है ये, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लव इट। सी कर लिया है लंच, नहीं लंच तो नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ शाम का भी डिनर हो ही गया है। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है गाइस, स्पाइस गार्डन, हार्ड रॉक होटल के बिल्कुल साथ ही है। ज़बरदस्त फूड, एम्बियंस, द स्टाफ इज़ वेरी गुड, एंड खाना मतलब ऐसा लग रहा था कि घर का बिल्कुल खाना है। प्रॉपर हमें रोटियाँ दी गई हैं, हमने नान नहीं बोले थे, रोटियाँ बनाई उन्होंने, और बिल्कुल घी वगैरह लगा कर। फिर जो भिंडी इतनी टेस्टी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम यू नो बाहर आए और रेस्टोरेंट में भिंडी खा रहे हैं, ऐसा लगता घर में बनाई हुई भिंडी थी। भिंडी उसमें आलू थे, बहुत टेस्टी। और जो पनीर बटर मसाला था वो सो गुड। मेरे हस्बैंड को वैसे पसंद नहीं है, जब वो यूरोप में आते हैं कहीं बाहर जाते ना, इंडियन खाना बहुत कम उन्हें पसंद आता है, एंड ही रियली रियली लाइक दिस। और जब से हम आए हैं ना, चार बार हम इस रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, एंड वी रियली लव द फूड, एंड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दिस रेस्टोरेंट। सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप बाहर आते हो ना, चाहे जितना मर्जी विदेशी खाना खा लो, बट आपको ना थोड़ा देसी खाना होता ही है, जब तक वो नहीं खाओगे मज़ा नहीं आएगा, राइट। ओके गाइज, नाउ वी आर गोइंग फॉर अ स्पा। और जो सुबह मैंने पहना था कफ्तान, वही पहना है मैंने अभी। 47 for you, sir. 78 in the ladies. You can see that if you forget the number, it's inside of the wristband. Okay, okay, okay. These are the costumes that you can wear during your massages. Okay. So for now, you can just leave them in the locker. Okay. Please, let me show you the way. So you can walk in across the changing rooms. You will meet on the opposite side at the facilities. Julia.
बहुत अच्छा है यार, हमने यहाँ पे एक घंटा रिलैक्स किया इस साइड में, सो गुड। एंड दैट्स द आउटर साइड ऑफ द स्पा एरिया, बहुत अच्छा है यार ये। यहाँ पर तो हम नहीं गए बट अंदर वाले में हमने डिप किया फॉर 1 आवर। एंड दैट्स आवर होटल, सो प्रिटी। गॉड इग्नोर माय फेस प्लीज, तो ये पूरा काजल बिखर चुका है। तो अभी हमने लिया है जकूजी, ओके अब हम लेने जा रहे हैं मसाज। गाइस तो अभी हम पहुंच चुके हैं टीडे, TIEDE नॉट TIL, TIEDE टीडे। और केबल कार चल नहीं रही है आज क्योंकि आज काफ़ी विंडी है और इसलिए वो चल नहीं रही। हाँ टाइडे टीडे जो भी बोलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे जा रहे हैं जस्ट फॉर अ वॉक। और अभी तो केबल कार चल नहीं रही है, चलेगी तो वो कह रहे हैं कि कल चलेगी। और ठंडी लग रही, तो मैंने हस्बैंड की पहन ली है हुडी और नीचे तो मैंने शॉर्ट्स ही पहनी है। ठंडा है, ठंडा है यहाँ पे। कभी भी आप माउंटी डे आओ तो प्लीज़ कैरी है जैकेट, मतलब पूरे कपड़े पहन के आना, काफ़ी विंडी हो जाता है यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल टॉप पर है ना, तो काफ़ी ठंडी हो जाती है। बाकी काफ़ी हर जगह जब आप ऑन द वे आप इतना लावा देखोगे, जब वॉल्केनो इरप्ट हुआ होगा इतना लावा आपको जगह जगह दिखेगा, बहुत सारा ना थोड़ा बहुत सारा लावा है। सो या देखने में थोड़ा अच्छा लगता है बट कितना लावा है मतलब सोच नहीं सकते। और मतलब पूरी पहाड़ी की पहाड़ी बनी हुई है लावा से। लावा है ना बेटा, ये सारा लावा है। अब हम ऊपर जा रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर जाएंगे। कैसा लग रहा है गाइस? देखो कितना हार्ड और कितना सारा, ये तो कुछ दिखा रही मैं आपको, एक पोर्शन भी नहीं दिखा रही। ओके गाइस सो वी आर इन सिटी सेंटर। इस टाइम हम डे टाइम में आए हैं तो अब हम जा रहे हैं लंच करने, क्योंकि सुबह से हमने, अरे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, हस्बैंड ने नहीं किया तो क्योंकि वो उनको पसंद नहीं आता वहाँ का ना खाना, इसलिए। तो एनीवेज व्यू देखो कितना सुंदर है। अभी हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट, बहुत फेमस है मिस्टर सिंह करके, शायद किसी ने रिकमेंड किया था हमें, तो अभी मैंने एक दो रील्स भी बनाई हैं, चेकआउट करना इंस्टाग्राम पर। ओके मैं हैंडल यहाँ पे छोड़ रही हूँ, यहाँ पे यहाँ छोड़ रही हूँ, जाके चेकआउट करो और फॉलो करो। और मैंने चेंज कर लिया, मैंने ये साटन शर्ट पहनी जो मैंने सुबह पहनी थी, काफ़ी गर्मी लग रही है आज। और या आर एम इज हंग्री है ना, टाइट से कितनी सुंदर लग रही है यार, काफ़ी अच्छा मौसम है, अभी धूप है बट इट्स नाइस। चलो मिलती हूँ, क्योंकि अब यहाँ से ही हम, अब यहाँ बज रहे हैं 2:30, तो हम यहाँ रहेंगे 6:15 बजे तक, उसके बाद हम एयरपोर्ट के निकल जाएंगे, 10 बजे हमारी फ्लाइट है। ओके गाइस सी यू लेटर नाउ। अच्छा लग रहा है ना, टिकल होगा और कुछ नहीं होता, थोड़ा और नीचे कर पीठ।
थोड़ा नीचे कर फीट, आगे जाना थोड़ा और नीचे करो फीट। ओए गाइस, तो मसाज हो गई और मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। तो वैसे अब कुछ दिखाने को है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो अभी हम एक घंटे में निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए और मैं इस ब्लॉग का कर रही हूँ यहाँ पे। एंड इन फैक्ट मैं सीरीज़ का, टेनरिफ सीरीज़ का एंड यहीं पे कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे प्लीज़ उनको भी चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छे व्लॉग्स थे, काफ़ी मज़ा किया हमने इस ब्यूटीफुल से आइलैंड में। एंड आपको अगर ये आइलैंड पसंद आया हो, अगर आप विज़िट करना चाहते हो, कुछ भी क्वेरीज़ हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी, ओके। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यहाँ पे स्क्रीन पे, ब्यूटी मोनिका के नाम से जाके फॉलो करो। व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वंस। और कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था कमेंट करके ज़रूर जाना। मुझे तो ये जो वेव्स की साउंड है ना, टाइड्स की साउंड, आई जस्ट लव इट, सो थेरेप्यूटिक, राइट, बहुत अच्छी है। चलो ब्लॉग का एंड करते हैं, आई सी यू इन नेक्स्ट वन। नाउ बाय गाइस, आई लव यू ऑल सो मच, टेक केयर। धूप पड़ रही है, मेरी स्किन जल रही है। चलो आई सी यू लेटर नाउ, बाय।